इन्हें लेके जाओ और इन्हें डस्टबिन में फेंक दो। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो क्या? मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि इन्विटेशन कार्ड्स में मुझे रानी पिंक कलर चाहिए। और ये क्या है, डार्क पिंक? तुम्हें दोनों में फर्क समझ में नहीं आता क्या? दोनों में ज्यादा फर्क तो है नहीं। जैसे मैं चाहता हूं ना वैसा ही क्या करूं। ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। तनेजा फैमिली का नाम क्यों नहीं है? वो मैंने जानबूझकर उनका नाम नहीं डाला। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने सोचा वो हमारी पार्टी में आने के लायक नहीं है। अब तुम डिसाइड करोगी कि कौन लायक है और कौन लायक नहीं है इस पार्टी में आने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हाँ जी। पहले रमन पेन किलर्स ले ले दर्द के लिए, चोट भी ठीक हो जाए। पर पिन्नी आज जो तेरी बातों से छोड़ दिया ना तूने मैनू, उसके दर्द की दवा नहीं है मेरे कॉल। दीदी जी सब ना टॉकिंग की टॉकिंग होती है। सच बात तो ये है कि आपके लिए तो सारा वर्ल्ड एक और है, दूसरी तरफ आपकी सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल की छोटी वाली फिंगर के आसपास पूरा घर चलता है। सच है कि नहीं? सारे कान तो ट्विंकल को लेकर ही होते हैं। आज जो भी कुछ हुआ है ट्विंकल की वजह से हुआ है। माना कि ट्विंकल से गलती होती रहती है, लेकिन आज जो हुआ ना उसमें ट्विंकल की कोई गलती नहीं थी। तो उस खोते युवराज ने उसके साथ बदतमीजी की, और रमन ने जो कुछ भी किया ना घर के बड़े को करना चाहिए था। और एक गाल तो सुन ले, तुम सब मेरे लिए एक ही परिवार हो। हाँ, ट्विंकल के पापा दे देते बाद मेरी यही कोशिश रही है कि मैं सारे परिवार नु साथ लेकर चलूं। घर के साथ साथ मैंने बाहर की जिम्मेदारी भी संभाली, बिजनेस नु संभाला। कभी किसी के साथ भेदभाव किया है मैंने? जैसे ट्विंकल है ना मेरे लिए, वैसे ही बबली भी है। मैंने इस परिवार नू अपने प्यार सैक्रिफाइस वक्त खून पसीने से सींचा है, और तूने इतने आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी। इतने सालों दे साथ नू इतना छोटा कर दिता तूने। और तैनू की लगता है मैनू रमन दी चिंता नहीं है? ऐ तेरा पति बाद में है, मेरा छोटा भाई पहले है। इसे कुछ हो जाए ना उससे पहले मैं इसकी सारी बलाएं अपने सर पर ले लूं, चाहे उसके बाद मैनू कुछ भी हो जाए। बात करती है बस प्रणाम बस। तो अपने बारे में कहकर हमारा रिश्ता कमजोर ना कर। और सानू पता है कि तू कैसी है। आ लीला पुत्र, हम सब जानते हैं कि तू हम सब के लिए अपनी जान तक दे सकती है। दीदी जी मेरा भी सॉरी है जी, वो ना पता नहीं मेरे दिमाग में ना कोई नॉनसेंस सा चैनल शुरू हो गया था जी, इसलिए बकवास कर दी। माफ कर दीजिए ना जी। देखा ऐसी है मेरी लीला दीदी है। ओ गले मिलो लीला दीदी। एक हांगी तो बनती है जी। हां जी प्लीज जी। चल चल माफ कर देता हूं। बीबी क्या हुआ? अभी मैं जिंदा हूँ, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। अभी कुछ भी ठीक नहीं हूँ भी, और मैं अपनी लूजर किस्मत की वजह से रो रही हूँ। मेरी वजह से तेरी और मामा की ये हालत है। क्या तू दर्द में और वहाँ मामा? मैं तुम दोनों को दर्द में नहीं देख सकती हूँ। क्यों क्यों हमारी फैमिली दूसरे को इतना हेट करती है? क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही उसको ठीक करने के लिए? सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट क्राई। कुछ भी ठीक नहीं होगा यूवी, अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेरी मॉम ने तेरी मॉम को चैलेंज किया है कि वो 5 में मेरा रिश्ता पक्का करा के रहेगी। मेरी मॉम को जानता है वो अपने प्रॉमिस की कितनी पक्की है, और इस बार चैलेंज किया तेरी मॉम को, वो उसे पूरा करके ही दम लेगी यूवी। तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा यूवी। प्लीज रोना बंद कर। तू कुछ सोचता क्यों नहीं है? तू जानता है मेरी मॉम नहीं मानेगी, लेकिन मैं तेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं ये भी नहीं चाहती कि हमारी प्यार की वजह से हमारी फैमिली को तकलीफ हो। यूवी तू ही कोई रास्ता निकाल ले यूवी, प्लीज कुछ तो सोच यूवी। सिर्फ 5 दिन बचे हमारे पास, सिर्फ 5 दिन। ट्विंकल तू रोना बंद कर, मैं तेरा पेन समझ सकता हूँ। जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है, और शायद तू सही कह रही है।
कि हमारे पास टाइम कम है और इससे पहले तेरी मॉम अपने चैलेंज में सक्सेसफुल हो जाए हमें कुछ करना पड़ेगा। और अभी मुझे सिर्फ एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है, शायद ये राइट सोल्यूशन ना हो हमारी प्रॉब्लम्स का, बट इस टाइम पे मुझे सिर्फ यही सोल्यूशन नजर आ रहा है कि हम घर से भाग जाएं। श्याम अरोरा, मोहित मल्होत्रा, जावेरी दा बेटा, ये सब तो क्रॉस हो गए रमन। अब पूरे पंजाब में कपूर दा लड़का और ब्रिगेडियर अरोरा दा मुंडा ही एलिजिबल है हमारे ट्विंकल दे वास्ते। बाकी सारे रिश्तों को तो उसने भगा दिया। बड़ा इन दोनों फैमिली से तो उसने भी गल की थी ना वैसाखी की पार्टी में, उन्होंने भी मना कर दिया। ओए होए, ये भी क्रॉस हो गए फिर तो। हाय रब्बा, मैं की करा। 5 दिनों में ट्विंकल का रिश्ता फिक्स करने का चैलेंज किया मैंने उस अनीता लूत्रा को, एक ढंग का रिश्ता नहीं बचा। अमृतसर में ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिससे हमने रिश्ते की बात ना की हो, सब फेल। सिर्फ सरना का ही एक होप बचा था, अब इतने बड़े साफे के बाद वो भी चला गया। की करा? अरे तुसी खामखा का हाइपर हो रहे हो। मैं तो कहूँ कि बगैर गल किए नतीजे पर पहुंचो तो बिल्कुल गलत गल है, और ऐसी तरीजा है और यूं ही हार नहीं मानने वाले। मैं तो कहूँ कि आप एक बार मनोहर सरना को फोन करो और बी पॉजिटिव। शायद तू ठीक कह रहा है, एक चांस तो ले ही लेती हूँ। दीदी जी, अरे अरे क्या कर रहे हो दीदी जी, आप किसकी टॉकिंग में आ रहे हो? इनकी, इनका तो जी ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है। मैं कहती हूँ दिव्या का मामला बड़ा डेलिकेट होता है, उसमें इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है? 0 है। मैं कहती हूँ उस दिन जिस तरह सारनाथ ने जिस कंडीशन में ट्विंकल को देखा था उसके बाद जी वेडिंग वुडिंग की बात करना तो ऐसा हो जाएगा जैसे अपनी ही इंसल्ट कराने की इनविटेशन किसी को दे दो। अगर मैं आपकी जगह होती मैं तो कभी भी फोन ना करती, 100% नॉट। ऐसा है कि मेरी ना एक अपॉइंटमेंट है स्पा में, ये आपका फोन, मैं चली। ओके बाय, ध्यान रखना जी। रमन, पिन्नी भी ठीक ही कह रही है, वो तो हमारा फोन ही नहीं उठाएंगे। अभी अभी यूवी का इतना प्यारा मैसेज आया था कि आज वो अपनी प्रिंसेस को अपनी दुनिया में ले जाएगा। इतने रोमांटिक हो यार तुम दोनों, फुल ऑन किसी मूवी के हीरो हीरोइन की तरह। और एक मैं अपनी बोरिंग अरेंज मैरिज की प्लानिंग कर रही हूँ जिसमें रोमांस का नामो निशान नहीं है। ट्विंकल यार, तो कितनी लकी है ना जो तुझे यूवी जैसा लड़का मिला, तो तेरे लिए अपनी फैमिली तक छोड़ने के लिए रेडी है। एक लैला मजनू थे और फिर कयामत से कयामत तक वाले आमिर और जूही, और एक ट्विंकल और यूवी है ना। एग्जैक्टली, जो प्यार की सारी हदें तोड़कर बस भाग रहे हैं। ये तो तू सही कह रही है, और देखिए तू ना ऐसी बातें करके मुझे और एक्साइटेड फील करा रही है। सो एक्साइटेड टिंकी, तुझे तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आफ्टर ऑल अभी जो तू स्टेप ले रही है उसके बाद तेरी जिंदगी ऑसम होने वाली, एकदम सुपर हिट। और वैसे भी लाइफ में इससे बड़ी व्यसन और क्या हो सकती है? जिसे तू प्यार करती है उसके साथ टेंशन फ्री रह सकती है हमेशा के लिए। ये तो तू सही कह रही है चिंकी, इससे बड़ी ब्लेसिंग सच में क्या होगी, है ना? कहाँ है चिंकी? अच्छा सुन, मॉम बुला रहे हैं, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके, और हाँ, कीप मी अपडेटेड। ओके ओके बाय। मेरे प्रिंस चामे, तेरी प्रिंसेस भी उतनी बेताब है तेरे पास आने के लिए। आई लव यू भी। लीजिए जी, आपसे चंगा परिवार मेरी बेटी नू कहाँ मिल सकता है जी। अगर आपको ठीक लगे तो मैं ट्विंकल के लिए आपके बेटे कुंज का रिश्ता मांगना चाहती हूँ जी। जी, हमारे कुंज के साथ? आपकी बेटी के साथ? लेकिन ट्विंकल हमें बहुत पसंद है जी, ये रिश्ता हमें मंजूर है। चंगा है जी फिर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, एक बड़ी न्यूज है जो शेयर करना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ सर, इस बार फिर से आपको एशिया का बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मिल रहा है सर। जी 5 सालों की तरह इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उसके बावजूद भी आपने सबको हरा कर अवार्ड जीत लिया, एंड दे आर कॉलिंग यू स्टार बिजनेसमैन ऑफ एशिया। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।